शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली निश्चय से कहते हैं कि हमने भगवान को पहचान लिया है और हम उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। उनसे हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। इतने नशे से हम यह बात कहते हैं क्योंकि दुनिया में तो भगवान को ढूंढ ही रहे हैं। वो कौन है, वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कुछ पता नहीं है। ये जरूर कह देते हैं कि पता नहीं किस रूप में मिल जाए भगवान, बस इतना ही कहते हैं, लेकिन और आगे कुछ भी नहीं जानते। और हम बच्चे नशे से कहते हैं कि हम भगवान के सम्मुख हैं, भगवान हमें अपना बनाकर अपनी रचना का ज्ञान हमें दिया है। हम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ त्रिनेत्री बन गए हैं क्योंकि भगवान ने हमें तीसरा नेत्र दे दिया है, जिससे हम आत्मा को भी देखते हैं, परमात्मा को भी देखते हैं, तीनों कालों को देखते हैं, तीनों लोकों को देखते हैं, स्वर्ग को भी देखते हैं, सूक्ष्म वतन को भी देखते हैं, परमधाम को भी देखते हैं। तो हम सब उस तीसरे नेत्र से देखते हैं। और बाबा कहते हैं अब ये तीसरे नेत्र से ही काम लो, ये दो नेत्र होते हुए भी इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसको मत देखो, देखते हुए नहीं देखो, क्योंकि ये सब जो कुछ भी है ये सब अब गया की गया, विनाश हुआ कि हुआ, ये दुनिया कब्रिस्तान बनी कि बनी। हम तो जा रहे हैं उस परिस्तान की दुनिया में। तो इस दुनिया में रहते हुए भी मोह मत रखो, अपनी बुद्धि से भुलाते जाओ, देह और देह के सब संबंधों को भूलो और हम ब्रह्मा बाबा को इसमें नंबर वन रखते हैं। तो आज की टॉपिक है सी फादर एंड फॉलो फादर। कौन से फादर को देखो और कौन से फादर को फॉलो करो। तो बाबा कहते हैं सी फादर माना एक शिव बाबा को देखो, बस शिव बाबा ही सच्चा सहारा है। और सब मनुष्य आत्माएं चाहे कितना भी सहारा बने लेकिन अंत में दुखाई देंगे, वे सच्चे साथी नहीं बन सकेंगे। वो कहानी सुनाते हैं ना, जीवन के तीन साथी। एक साथी तो अपना शरीर है जो सारा समय साथ रहता है आत्मा के। दूसरे साथी हमारे लौकिक मित्र संबंधी और तीसरे साथी हमारे ही अपने संस्कार स्वभाव हमारे कर्म। तो ये शरीर तो सबसे पहले ही हमारा साथ छोड़ देता है, आत्मा
निकल गई, शरीर का साथ छूटा, तो सबसे पहले यही धोखा देता है शरीर। जिस शरीर की इतनी पालना की, कितना उसको सजाया संवारा, क्या नहीं मेहनत करते अपने शरीर पर, वो सबसे पहले धोखा देता है। फिर दूसरा सहारा हमारे मित्र संबंधी, लौकिक संबंध, वो कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार मिलते हैं। और उनका साथ कब तक मिलता है? शमशान घाट तक। बस अग्नि संस्कार कर दिया शरीर का, तो उनका सहारा भी छूटा। लेकिन सच्चा सहारा, सच्चा साथ आत्मा के अपने कर्म हैं, अपने संस्कार हैं। और उसको और गहराई से देखें तो सच्चा साथी तो एक भगवान है बस, और कोई नहीं। और अगर भगवान को सच्चा साथी बना लिया, उनको ही सदा देखते रहे, उनको ही सच्चा सहारा बनाया, तो वो कभी धोखा नहीं देगा। इसीलिए देह तो सबसे पहले धोखा देती है, देह के संबंधी फिर बाद में शमशान घाट तक ही साथ देते, फिर धोखा देते थे, चले जाएंगे घर। लेकिन कौन आत्मा के साथ जाएगा? केवल उसके कर्म, उसके संस्कार। इसीलिए जिस पर हमें ध्यान देना है, उस पर तो मनुष्य ध्यान देते ही नहीं है। इसीलिए जीवन में धोखा खा लेते हैं, और ये जीवन भी उनका व्यर्थ चला जाता है, और भविष्य जन्म भी व्यर्थ जाते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, उससे हम ये भली भांति समझ गए हैं कि हमारे साथ क्या चलेगा, और उस पर ही हम की ध्यान देते हैं। कई बार हम बताते हैं ना कि आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, तो जो मन में होगा, बुद्धि में होगा, संस्कार में होगा, वही साथ चलेगा। तो मन में क्या रखो? केवल शुद्ध संकल्प, क्योंकि वही शुद्ध संकल्प आत्मा के साथ चलेंगे। शुद्ध कहो, शुभ कहो, श्रेष्ठ कहो, समर्थ कहो, शक्तिशाली कहो, यही संकल्प आत्मा को शक्ति भी प्रदान करते हैं, और वही साथ चलते हैं। तो मन में क्या रखो? ये श्रेष्ठ संकल्प, बस। और बातें भूल जाओ, सोचो ही नहीं, फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि वो साथ चलना नहीं है। शुभ भावना, शुभ कामना, वही आत्मा के साथ जाएगी। फिर बुद्धि में क्या भरो? आत्मा, जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो हमारा भविष्य, हमारी महिमा है, वही बुद्धि में धारण हो, गुण और शक्तियां। बस बुद्धि में वही रहे, तो ज्ञान मन के अंदर, गुण और शक्तियां बुद्धि के अंदर, और संस्कारों में क्या भरो? श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि जो कर्म करेंगे वही संस्कार बनेंगे, और वही आत्मा के साथ चलेंगे। इसलिए कहते हैं ना, कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? अपने कर्म ले गया, कर्म ले गया।
और जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, अपना भाग्य लेकर आया। तो बच्चा भाग्य लेकर आता है और मनुष्य देह त्याग पर अपना कर्म ले जाते हैं। तो जो कर्म ले गया वही आत्मा बच्चे रूप में भाग्य लेकर के आती है। अब ये जब बुद्धि में हमने समझ लिया कि यही आत्मा के साथ जाएगा, यही सच्चा साथी है, तो इन पर कितना ध्यान देना होगा। और यही ब्रह्मा बाबा ने किया, तभी तो देखो कहां साधारण थे और कहां विश्व के मालिक बन गए। और उसके लिए क्या किया, श्रीमत का पालन किया। तो बाबा ने उस दिन रविवार को जो मुरली चलाई जिसमें ब्रह्मा बाबा के 5 कदम बताए, जिसने केवल एक शिव बाबा को देखा, बस सी फादर, केवल एक शिव बाबा को देखा, जो शिव बाबा ने कहा वो ही किया, चाहे मनुष्यों ने कितनी भी रुकावटें डाली, बंधन डाले, विघ्न डाले, लेकिन उसने केवल शिव बाबा को देखा, इसीलिए जरा भी विचलित नहीं हुआ, जरा भी स्थिति उनकी हिली नहीं, चाहे कितने भी विघ्न आए। 2 मुख्य कारणों से, एक तो एक शिव बाबा को कभी नहीं भूला, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, इतना दृढ़ निश्चय था ब्रह्मा बाबा में कि मेरा सच्चा साथी एक भगवान है, बस ये देह और देह के संबंध तो सब यही रह जाने हैं। तो उस सच्चे साथी को सदा साथ रखा और अंत में उस सच्चे साथी ने बाबा को कैसे अपने पास बुला लिया, अपनी गोद में ले लिया। जब वतन में संदेशी गई तो बाबा से पूछा कि बाबा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, अंतिम स्थिति। तो बाबा ने बहुत सुंदर अपना अनुभव सुनाया कि अंत के समय कैसे मुझे एक बाप की याद थी, बस शिव बाबा मुझे बुला रहा था अपने पास, आओ बच्चे आओ, अब सदा का साथी बन जाओ, कंबाइंड रूप हो जाओ। तो एक तरफ शिव बाबा बुला रहे थे, दूसरी तरफ जो मेरा संपूर्ण स्वरूप हमेशा वतन में संदेशियां अनुभव करती थी, वो संपूर्ण स्वरूप बुला रहा था कि आओ अब ये हो जाओ, संपन्न संपूर्ण होकर ये हो जाओ, समा जाओ। तो एक शिव बाबा समा जाओ बोल रहे थे, दूसरा संपूर्ण स्वरूप ब्रह्मा का जो वतन में है वो स्वरूप उनका आह्वान कर रहा था, और तीसरा जो अंतिम हिसाब किताब कर्म भोग शरीर का वो चुकतु कर रहे थे, सूली से कांटा होता जा रहा था, बिल्कुल अशरीरी हो गए थे बाबा। और चौथा दादी प्रकाशमणि जी का भी आह्वान कर रहे थे, क्योंकि दादी उस समय मधुबन में थी, नहीं तो मुंबई में रहती थी दादी, लेकिन बाबा ने दादी को रोक लिया था मधुबन में। तो ये 4 प्रकार की जैसे खींच थी, और दादी को भी संकल्प आया कि मैं जाऊं बाबा के पास, नहीं तो रात को बाबा के पास जाती नहीं थी, बाबा मुरली चला के कमरे में चले जाते थे, दादी तो नहीं जाती थी, 9:30 बज जाते थे, उस दिन
केवल 8:30 बजे थे, 1 घंटा सब पहले कर दिया था, भोजन भी 1 घंटा पहले, क्लास भी 1 घंटा पहले। और करीब 9:15 बजे थे और दादी जी पहुंच गई दा बाबा के पास। संकल्प की शक्ति ने काम किया और बाबा अपने अंतिम संपूर्ण स्थिति में थे। शिव बाबा बुला रहे थे, संपूर्ण स्वरूप बुला रहा था, अंतिम हिसाब किताब चुप्पू कर रहे थे। और दादी जी का हाथ बाबा ने पकड़ा, उस समय अंतिम दृश्य और नेत्र दृष्टि और हाथ, इनसे कैसे सारी शक्ति इस यज्ञ को चलाने की वो दादी जी को सौंपती बिना कुछ एक शब्द कहे। ये जरूर। और बाबा ब्रह्मा बाप शिव बाबा के साथी बन गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को ही देखा। हर घड़ी एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और सब कुछ कर रहे थे, कोई भी जिम्मेदारी छोड़ी नहीं, अंत घड़ी तक कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, रात्रि क्लास भी करा लिया। अंतिम 3 महावाक्य भी उच्चारण किए बच्चों को, क्या करना है, बस निराकारी निरंकारी निर्विकारी ये बनो। अच्छा छुट्टी, मानो जो यज्ञ का कार्य था वो संपन्न करके बाबा एकदम उपराम हो गए, क्योंकि संपन्न बने, संपूर्ण बने। तो शिव बाबा को ही सदा देखते रहे। रवि बाबा कहते फॉलो फादर, जो ब्रह्मा ने किया वही हम बच्चों को भी करना है। हमारे आगे तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है, दादियों का एग्जाम्पल है। कैसे हमारी दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, सब दादियां कैसे कर्मातीत अवस्था को पाती गई, न्यारी प्यारी होती गई होती गई होती गई और वतनवासी बन गई। सारी एडवांस पार्टी की हमारी दादियां, और अभी तक सेवाओं की को सकाश दे रही है, तभी तो इतनी वृद्धि हो रही है। तो सी फादर, शिव बाबा को सदा देखो, उनको ही देखो, उनको ही याद करो। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मुझे याद करो, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा इनको फॉलो करो, इन्होंने जो किया इनके कदम पर कदम रखो। तभी कैसे शिव बाबा अंत में अपने बाहों में ले लेंगे। एक कहानी सुनाते हैं, पर धर्म में होगा लेकिन क्रिश्चियनिटी में एक कहानी आती है, बाइबल में आता है कि भगवान ने अपने बच्चे को कहा कि तुम सदा मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे कदमों पर चलो। वो तो क्राइस्ट को दिखाते हैं, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे कदम पर कदम रखो। तो वो कदम पर कदम रखता हुआ आगे जा रहा था, अंतिम उसका समय था शरीर छोड़ने के समय, उसको ये साक्षात्कार हुआ कि कैसे मैं भगवान के कदम पर कदम रख रहा हूँ। तो 2 कदम भगवान के और इसके पीछे 2 कदम उसके, उसके पीछे वो कदम रखकर आगे चल रहा है। लेकिन एक जगह ऐसा आया कि जब 4 कदम की बजाय 2 भगवान के 2 उसके, उसकी बजाय केवल 2 ही कदम थे, केवल 2 ही कदम थे, वो 4 जो देख रहा था वो 2 गुम हो गए, केवल 2 ही कदम थे। तो वो भगवान को कहता है ये क्या, जब एकदम विकट परिस्थिति आई तब तो 2 ही कदम थे, तो क्या भगवान आपने मेरा मुझे छोड़ दिया क्या, जो मेरे 2 ही कदम थे आपके तो 2 कदम थे ही नहीं।
तो भगवान ने उनको कहा, नहीं वो कदम दो तो मेरे थे और तुमको तो मैंने कंधे पर उठा लिया था, तुमको तो मैंने कंधे पर उठा लिया था, तो कदम कहाँ होंगे, वो तो कंधे पर उठा लिया था। अर्थात तुमको मैंने उठा लिया था और मेरे बाहों में तुम थे, और वही अनुभव ब्रह्मा बाबा ने किया अंत के समय, जैसे बाबा ने, शिव बाबा ने उनको एक सेकंड में उठा लिया, जो उनको पता भी नहीं चला होगा। तो इसका आधार क्या था, जो हर वक्त उसने शिव बाबा को ही देखा और बाकी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखा, सब कुछ जिम्मेदारियां निभाते हुए, ऐसे नहीं कि जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, अंतिम घड़ी उपराम हो गई क्योंकि संपूर्ण बन गए, लेकिन तब तक तो सब जिम्मेदारियां संभाली अंतिम घड़ी तक। और उसी कारण से शिव बाबा का वो मुरब्बी बच्चा बन गया। तो उस दिन बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 5 कदम बताए थे। 1 सर्वंश त्यागी, 2 सदा आज्ञाकारी, 3 हर संकल्प में वफादार, 4 विश्व सेवाधारी और 5 कर्म बंधन एवं कर्म संबंध मुक्त। तो सबसे पहले सर्वंश त्यागी थे बाबा, सब कुछ एक सेकंड में मेरे को तेरा कर दिया। बाबा कई बार कहते हैं मेरा कुछ नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, न ये तन मेरा, न मन मेरा, न धन मेरा, सब बाबा का। तो मेरे को तेरे में परिवर्तन किया, मन बुद्धि संस्कार ये भी सब बाबा को अर्पित किया। हम बच्चे कई बार बाबा को कहते क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा विचार ऐसा है, मेरा मेरा, न जाने कितनी बार सारे दिन में मैं और मेरा कहते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा मैं और मेरा, कभी भी नहीं कहा। अगर बाबा को कुछ कहना भी होता था ना, बाबा ऐसे नहीं कहते मैं कहता हूँ, नहीं मैं नहीं, बाबा कहते हैं। दादियों ने भी ये सबक सीख लिया, दादी जी कभी नहीं कहती थी मैं कहती हूँ ना, मैं कभी नहीं कहती, दादी कह रही है, माना। अब सोचो वो बड़ी अथॉरिटी कह रही है, पर अभिमान वश नहीं कहा, मैं कह रही हूँ, ये मैं शब्द कभी नहीं हमने बाबा के मुख से या मम्मा के मुख से या दादी के मुख से निकला, क्योंकि हम यही कहते हैं ना, ये मैं और मेरा ये ही नर्क के द्वार है, इसी से पाप बनता है, मैं और मेरा से। क्योंकि मैं अगर दे अभिमान में हम कहते हैं तो ये तो पाप बनेगा, मैं शब्द माना ही पाप का द्वार, ये अभिमान का शब्द है। और फिर मेरा जितनी बार का वो भी पाप बनेगा, क्योंकि ये मोह लोभ का सूचक है मेरा, तो लोभवश कहेंगे, मोहवश कहेंगे, मैं अहंकार के वश कहेंगे, और ये सब पाप के द्वार है। और 1 सेकंड में कैसे इसको परिवर्तन किया, मैं कहना है तो क्या कहो, मैं आत्मा, तो ये देह भान 1 सेकंड में टूट जाएगा, मैं आत्मा। और मैं आत्मा कहा तो पाप से बच गए, मैं फलाना से शरीर कहा तो पाप के भागी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते आत्मा समझकर आत्मा को देखो। ये बहुत बड़ी ये मानो
हम कहेंगे कि ये बहुत बड़ा अभ्यास है किसी आत्मा को देखना। कई कहते कैसे आत्मा को देखे, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है। आत्मा को देखना माना उस समय तीसरा नेत्र का उपयोग करना। बाबा ने कैसे तीसरे नेत्र के उपयोग से सबको आत्मा देखा, हम मिसाल देते हैं। बाबा भी परिवार में थे, गृहस्थ में थे, पत्नी बच्चे बहू पोतरे दोतरे हाँ सब थे, बड़ा परिवार था बाबा का। लेकिन सबको मैं से मेरा से तेरा कैसे समझ लिया, मैं कैसे बदल गया। बाबा की लौकिक में बहू थी ब्रिज इंद्रा दादी, बहुत सुंदर थी वो जवानी में, बहुत बड़े घर की थी बाबा की लौकिक बहू थी वो। तो बाबा तो बिजनेस में थे, हीरे जवाहरातों का व्यापार करते थे, बड़े हीरों के गहने बनाते थे और राजाओं महाराजाओं के पास बाबा जाते थे वो गहने बेचने के लिए, क्योंकि उनकी महारानी तो दुकान में नहीं आएगी खरीदारी करने। तो राजा उनको बुलाते थे बाबा को कि मेरे महल में आकर के मेरे रानी के लिए ऐसे गहने बनाओ। तो बाबा क्या करते थे, वो हार बना के या जो भी गहने बनाकर वो बाबा की लौकिक बहू को पहनाते थे और उसको लेके जाते थे रानी के महल में, हाँ राजा के महल में। और वो उनको कहते थे अभी आप जाके रानी से मिलो। वो तो पर्दे नशीन होती थी, वो तो ऐसे खुलेआम तो सबसे मिलती भी नहीं थी। तो ब्रिज इंद्रा दादी जिनका नाम राधिका था, राधिका, तो उनको बाबा भेजते थे उनके रानी के शयन कक्ष में। तो वहाँ वो हार देखती थी तो बहुत खुश होती थी, कहती थी ऐसा हार मेरे को चाहिए। रानी कहती उनको तो कोई पैसे की तो कोई कमी होगी नहीं, ऐसा हार मुझे चाहिए। तो बाबा तो बहुत होशियार थे, पहले से ही वो सेट लेके जाते थे एक्स्ट्रा, ताकि वो रानी को पसंद आएगा और वो खरीदेगी। तो बाबा ऐसे बिजनेस करते थे, वेरी गुड सेल्समैन थे बाबा, सेल्समैनशिप बहुत अच्छी थी बाबा की। तो इसलिए बाबा बिजनेस में भी बहुत फ्लरिश कर रहे थे, राजाओं महाराजाएं और फिर अंग्रेज, उस समय तो वही थे ना भारत में राज्य करते थे, वो भी बहुत खरीदारी करते थे। तो बाबा का इन मेरी अपनी बहू में बहुत मोह था, बहुत मोह था। और वो भी अपने ससुर को पिता के रूप में देखते थे। बाबा ने उनको ये पर्दा वर्दा सब हटवा दिया, पहले से ही बाबा को नारी शक्ति के प्रति बहुत सम्मान था, नहीं तो पर्दे नशीन होती थी उस समय तो ऐसा ही था। तो जब वो बाबा की प्रवेशता हुई तो कैसे शिव बाबा ने एक धक से सब कुछ छोड़ा उस और सबको आत्मा देखा। लेकिन उन्होंने तो बाबा को उस रूप से तो नहीं देखा ना, बाबा की लौकिक युगल थी यशोदा, उनका मानो वो पति था, बच्चे थे उनके, लेकिन बाबा की दृष्टि एक सेकंड में बदल गई और उनके आगे सब बच्चे थे। लेकिन उनकी दृष्टि बाबा के प्रति भी उतनी ही आत्मिक रहे, उसके लिए बाबा दीवारों पर लिखते थे राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, आत्मा है। तो राधिका पढ़ती थी कि ये बाबा ने लिखा है राधिका आत्मा है तो मैं आत्मा हूँ। तो देह के का भान जैसे छूट जाए, वो जो मोह था ये मेरे ससुर है, चाहे पिता भी समझे, पर वो मोह खत्म होता गया और रिस्पेक्ट जागी। यशोदा का पति हुआ लेकिन कैसे यशोदा की दृष्टि भी बदल गई, कहाँ पति पत्नी और कहाँ बाप बेटी हो गए। यशोदा उनको पिता समझे और बाबा उनको बेटी समझे, ये कितना बड़ा परिवर्तन।
मम्मा और उनकी लौकिक माँ, तो मम्मा तो मम्मा बन गई, माँ बन गई सबकी। तो मम्मा की जो लौकिक माँ थी वो भी अपनी बेटी को मम्मा कहने लगी है, क्योंकि सभी कहे तो माँ क्या कहेगी, वो भी मम्मा कहेगी। तो मम्मा के लिए सब बच्चे हो गए, वो माँ भी बेटी हो गई और मम्मा सबकी माँ हो गई। तो कैसे दृष्टि का परिवर्तन आ गया यज्ञ के अंदर एक ही कदम से आत्मा। और यही बाबा कहते हैं आत्मा का ज्ञान। तो कैसे आत्मा समझें, बाबा हमेशा कहते हैं जिसको भी देखो उनकी भ्रकुटी पर ही देखो। बाबा कभी उसके नीचे नहीं देखते थे, क्योंकि जितना इसके नीचे देखेंगे ना अंतर अनुभव होता जाएगा। अभी मस्तक तो सबका एक जैसा है, पर मस्तक के नीचे आएंगे तो आंखें हैं, सबकी आंखें अलग अलग है। उसके नीचे नाक है, तो ये नाक भी किसका मोटा किसका पतला किसका कैसा। उसके नीचे होंठ है, ये होंठ है। और नीचे आओ तो ये गला है, और नीचे आओ तो सब सतों से रजो रजो से तमो वो स्थिति बनती जाती है, तो दृष्टि भी बदलती जाती है। इसीलिए और कहीं नहीं देखो शरीर में, कहाँ देखो उनकी मस्तक पर चमकता हुआ एक सितारा देखो, आत्मा चमक रही है। यही बाबा ने सिखाया। और बाबा के मस्तक पर हम देखते थे ना, इतना इतनी चमक थी बाबा के मस्तक पर, क्योंकि शिव बाबा भी उनके उनकी आत्मा के पास में बैठते थे। बाबा कहते ना यही बैठते हैं, यही अकाल तख्त है, आत्मा का तख्त। तो आत्मा देखना, आत्मा से बात करना, ये एक बहुत सुंदर विधि है ये देह अभिमान से हटने की। और फिर बाबा कहते मेरा मेरा की बजाय, हाँ मेरा कहना ही है तो मेरा शिव बाबा कहो, वही मेरा है, बाकी तो कुछ भी मेरा नहीं है। और मेरे को तेरे में बदल दो, म को त कर दो, बाकी तो वही है बाबा, ये सब आपका। तो ये मन भी बाबा का हो गया। तो मन में हम देह अभिमान के वश कोई भी संकल्प नहीं कर सकते हैं। ये बुद्धि भी बाबा की है, तो मैं इतना होशियार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर बहुत कलाएं हैं, मेरी समझ बहुत अच्छी है, आदि आदि, ये मैं मेरा खत्म हो गया। और संस्कार तो मेरे जो अगर ओरिजिनल संस्कार है वही मेरे हैं, ये संस्कार तो पराए हैं, द्वापर कलयुग के देह अभिमान के संस्कार है, रावण के संस्कार है। इसीलिए इतना ड्रास्टिक, इतना विशाल परिवर्तन आ सकता है जब मेरे को तेरे में बदलते हैं, ये सब बाबा का है। और जैसे ही कहा बाबा ये सब तेरा है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते तो थे भक्ति में, आरती में तो यही कहते थे, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जैसे ही आरती पूरी हुई, हाँ मेरी पर्स कहाँ है, मेरा मेरा ये कहाँ, मेरा 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 चालू हो जाता है, फिर तेरा कहाँ गया। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जैसे कहा शिव बाबा ये सब तेरा, क्योंकि शिव बाबा ने उनको कह दिया कि अब जो सारी आपकी चल अचल प्रॉपर्टी है ये सब माताओं बहनों को के आगे विल कर दो, उनके नाम पर विल कर दो। मम्मा के नाम पर विल कर दिया, मम्मा और उनके साथी। हालांकि मम्मा का लौकिक में कोई संबंध नहीं था बाबा के साथ, लौकिक में नहीं था, मम्मा की अपनी बेटी थी, बहू थी, पत्नी थी, सब थे, लेकिन मम्मा के नाम पर कर दिया, वो लीडर बनी, वही सबकी अलौकिक माँ बनी, क्योंकि शिव बाबा ने देखा इनके अंदर वही लक्ष्मी बनने वाली है भविष्य में। और उनसे साक्षात्कार भी होता था मम्मा से,
तो कैसे एक धक से परिवर्तन किया बाबा ने, फिर उसके बाद मुड़ के नहीं देखा मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, कुछ नहीं है। ये सब लौकिकता एकदम खत्म हो गई, दृष्टि पूरी बदल गई। ये इसको कहेंगे सर्वंश त्यागी, सर्व वंश सहित त्याग। ऐसे नहीं थोड़ा सा रह जाए, अब उसमें हमको फॉलो करना है हमारा कहाँ तक है सर्वंश त्याग। ये रावण के 10 सिर को हम एक एक काटना शुरू करते हैं। मान लो आज मैं क्रोध छोड़ रहा हूँ, आज मैं लोभ छोड़ रहा हूँ, आज मैं मोह छोड़ रहा हूँ, तो एक एक सिर को काटते हैं फिर वापस आ जाता है। क्योंकि एक एक सिर को काटने से रावण नहीं मरेगा। रावण कैसे मरेगा, जब उनकी कहते नाभि में मारा, जहाँ उनका अमृत धारा बहती थी नाभि में, वहीं उसकी बी उसका बीज था, वहां जब तीर मारा तब रावण की मृत्यु हुई। तो ये विकारों का अंत कैसे होगा, जब पहले देह अभिमान का अंत होगा। ऐसे विकार नहीं जाएंगे, आज एक विकार गया पर दूसरे और आ जाएंगे, और फिर वो विकार भी वापस आ जाएगा। क्योंकि बाबा कहते इनकी बहुत यूनिटी है, इनकी इतनी यूनिटी है जो एक दो के बिना रह नहीं सकते। इसीलिए पांचों को एक साथ खत्म करना होगा। कैसे खत्म करेंगे, आत्माभिमानी स्थिति से। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है जो बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया। और यही आत्माभिमानी स्थिति हमारी अंतिम स्थिति भी होगी, जो आदि सो अंत, जो अंत की स्थिति के लिए बाबा कहते हैं ना कि अंत में एक ही क्वेश्चन का पेपर आएगा, एक ही क्वेश्चन होगा। और वो कौन सा क्वेश्चन होगा, हाँ उस दिन बाबा ने मुरली में कहा था नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो वो एक ही प्रश्न, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी, हाँ या ना बस। इसलिए एक सेकंड का पेपर, अंत का पेपर। कितना हम उस समय एकदम देही अभिमानी हुए, एक बाबा की याद के सिवा और कोई नहीं। परंतु उस एक क्वेश्चन में पास होने के लिए, टिक मार्क करने लिए और कोई याद ना आए, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। देही अभिमानी बनना, फिर उसके बाद विदेही बनना। विदेही राजा जनक का मिसाल आता है, विदेही था वो, यानी महलों में रहता था लेकिन महलों का मोह नहीं था, कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर भी अपना कभी नहीं समझा, विदेही था। तो पहले देही अभिमानी स्थिति, आत्मा देखना, आत्मा से बात करना, कहीं भी दैहिक आकर्षण नहीं। बाबा ने उस दिन भी कहा कहीं भी लटकना नहीं, अटकना नहीं, चटकना नहीं। दादी जानकी ये शब्द बहुत कहती थी, लटकते माना किसके पीछे पीछे लटकते हैं। तो लटकना भी नहीं है, अटकना भी नहीं है, कहीं भी अटकना नहीं है, चटकना तो बिल्कुल ही नहीं है, पकड़ के जैसे रखते होल्ड करके रखना, कुछ भी नहीं, छोड़ो तो छूटो, लेट गो एंड लेट गॉड। तो इसीलिए वो देही अभिमानी स्थिति जब बहुत काल की होगी तो विदेही स्थिति भी सहज हो जाएगी, देखते हुए भी मेरा कुछ नहीं, कहीं मोह नहीं। और जब विदेही स्थिति होगी तब फिर हम अशरीरी भी सहज बन सकेंगे, क्योंकि अंत में तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाना है, नहीं तो अशरीरी स्थिति नहीं आएगी, वो बिंदु बीज रूप की स्थिति नहीं आएगी जब तक हम पहले विदेही अवस्था को नहीं पाए या आत्मिक स्थिति को नहीं पाए।
इसलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे अंत में धोखा न खाओ, इसलिए ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और अचानक होना है ये पेपर, अभी देखो लड़ाई ऐसी लगी, पता थोड़ी था, कुछ भी नहीं, अचानक अचानक भूकंप आ जाता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, अचानक, चलो कुछ पहले से पता भी चलता है लेकिन क्या कर सकेंगे, कुछ भी नहीं उस समय। तो ये अचानक का खेल तो बहुत होगा, क्या उस समय हम एकदम न्यारे हो सकते हैं, क्या हम एवर रेडी बन सकते हैं? अवश्य बन सकते हैं अगर बहुत काल का अभ्यास होगा तो। इसीलिए बाबा कहते हैं वो जो अंतिम पेपर है वो क्वेश्चन आउट है, इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कब आएगा, कब वो परीक्षा होगी, कब अचानक होगा वो पता नहीं। और जो परीक्षाएं होती है उनका टाइम फिक्स होता है, डेट फिक्स होती है, स्थान फिक्स होता है कि इस टाइम पर, इस दिन और इस स्थान ये इतने बजे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, लेकिन एग्जामिनेशन पेपर में क्या क्वेश्चंस आएंगे वो पता नहीं। और यहाँ क्वेश्चन पेपर पता है, आंसर एक सेकंड का है वो भी पता है, लेकिन कब आएगा वो पता नहीं। इसीलिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, सरप्राइज टेस्ट भी होते ना, तो स्टूडेंट्स को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। पर हर वक्त तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि फुल टाइम स्टडी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि मैं दो दिन पहले स्टडी करूंगा, कभी भी टेस्ट आ जाए। हाँ बताते ना, एक व्यक्ति था अपने गुरु के पास गया, गुरुजी मेरा मन तो बहुत चंचल है, ये कैसे मैं इसको शांत करूं, शांत होता ही नहीं है, तो कब होगा ये शांत, कब होगा ये शांत। तो गुरुजी ने कहा आपके मरने से एक दिन पहले, एक दिन पहले। तो एक दिन पहले मरने से कैसे पता चलेगा कब मैं मरूंगा, तो हर वक्त समझो मर, कभी भी मरना है, देह से न्यारे तो होना ही, हम तो बैठे ही इसलिए, जीते जी मरे हुए बैठे हैं, है ना, सब जीते जी मरे हुए बैठे हैं ना, जो समझते हम जीते जी मरे हुए बैठे हैं हाथ उठाओ, कभी भी बाबा बुलावे, बहुत अच्छा, हाँ बढ़िया बढ़िया, अपने लिए ताली बजाओ बोले, हाँ सब जीते जी मरे हुए बैठे हैं, बाबा कब भी बुलावे तैयार हो ना, तैयार हो सब, अच्छा वेरी गुड। हाँ लेकिन फिर कई सोचते हैं कि नहीं बाबा ऐसे तो ठीक है तैयार है, लेकिन संपूर्ण बन के जाए तो अच्छा है ना, हाँ सब वो भी हम चाहते हैं जरूर। इसीलिए तैयार भी रहना है पर अपने पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है, ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए सर्वंश त्यागी माना मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, जो ब्रह्मा बाबा ने किया बस फॉलो फादर। फिर दूसरा सदा आज्ञाकारी, जो शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया। कई भाई बहने कहते हैं ना हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, अब कैसे 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 ऐसे प्रश्न करते रहते हैं और मूंझते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं मूंझो मत, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें उसकी विधि बाबा को, बाबा हर मुरली में देते हैं, बच्चे ये करो, बच्चे ये मत करो, ये करो ये नहीं करो, डू एंड डोंट या डोंट, होता है ना, कोई भी बात करने लिए पहले कहा जाता है ये करो, और ये सावधानी भी देते ये मत करो, क्योंकि ये करेंगे तो फिर नुकसान होगा, सो डूज एंड डोंट्स कहते हैं ना। शारीरिक व्यायाम के लिए भी ऐसे ही कहते हैं, प्राणायाम के लिए भी ऐसे कहते हैं, क्या कैसे करो, ये नहीं ऐसे करो जो गलत हो जाए, जो और ही नुकसान करे, वो नहीं करो।
तो क्या क्या करो क्या नहीं करो, हर चीज के लिए डू एंड डोंट है। तो बाबा की हर मुरली में आता है क्या करो क्या नहीं करो, हर सोच के लिए आता है, हर शब्द के लिए आता है क्या बोलो क्या नहीं बोलो। उस दिन बाबा की मुरली चली वाणी पर, ब्रह्मा बाबा की वाणी महावाक्य थे, हमारे बोल कैसे होने चाहिए, मम्मा के बोल कैसे थे, बहुत मीठे बहुत मीठे बहुत प्यारे। अगर हमारी वाणी में कटाक्ष होगा, चुभने वाले शब्द होंगे, दुख देने वाले शब्द होंगे, किसी के प्रति नफरत के शब्द होंगे, तो फिर वो वाणी तो मीठी वाणी तो नहीं कहलाएगी ना। इसीलिए हम लोगों का क्या स्लोगन हम बताते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, कम बोलो धीरे बोलो और मधुर बोलो, युक्ति युक्त बोलो राज युक्त बोलो। क्योंकि कम बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे बोलेंगे, धीरे बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली मधुर बोलेंगे। ये तो हो नहीं सकता है कि आप क्रोध से बोलो और धीरे बोलो, होगा? क्रोध भी करो और धीरे भी करो, ऐसे होता है क्या? क्रोध तो जोर से किया जाता है ना, धीरे से किया जाता है क्या क्रोध? कितना भी वो नजदीक होगा तो भी इतना जोर से बोलेंगे जैसे कि वो बहरा है। हाँ भाई, धीरे से भी तो बोल सकते हो, पर क्रोध में ये थोड़ी याद रहता है कि मैं धीरे से बोल रहा हूँ या गुस्से से या जोर से बोल रहा हूँ। इसीलिए अपनी वाणी भी कैसी बनाओ, सोच कैसी बनाओ, कर्म कैसे करो। तो जो भी सोचो, जो भी बोलो, जो भी करो, पहले ये देखो अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ होते इस वक्त ऐसी स्थिति में तो ब्रह्मा बाबा क्या करते। तो जो ब्रह्मा बाबा करते वही मुझे भी करना है, बस ये है फॉलो फादर। जो ब्रह्मा बाबा सोचते वो मुझे भी सोचना है, जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते वैसे मुझे बोलना है। क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं ना, जिससे प्यार होता है उसको तो फॉलो किया जाता है, यही कदम पर कदम रखना होता है, फॉलो करना माना कदम पर कदम रखना। तो वो अगर यहाँ होते तो वो क्या करते, मुझे भी वही करना है। तो शिव बाबा तो याद रहेगा ही, पर ब्रह्मा बाबा भी याद रहेगा। तो सदा आज्ञाकारी, एक सेकंड में स्वाहा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा ब्रह्मा बाबा ने, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। बस अगर ब्रह्मा बाबा जो उनकी प्रॉपर्टी थी या जो कुछ उनका था, एक बीज उन्होंने जो रोपा, अगर वो बीज उस समय नहीं रोपते होते तो आज ये इतना बड़ा वट वृक्ष, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे खड़ा होता। पर उन्होंने जो अपनी चल अचल प्रॉपर्टी, अपना तन मन धन जो माताओं बहनों के आगे विल किया, वही बीज आज ये इतना बड़ा वट वृक्ष इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बना है ना, यही कहेंगे ना। क्योंकि शिव बाबा की हर आज्ञा का पालन किया और एक धक से वैराग्य आ गया, एक धक से। ये नहीं सोचा हाँ मेरी बिजनेस कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगी, नहीं माना नहीं, बस डिटर्मिनेशन, दृढ़ता इतनी पावरफुल थी बाबा में। और इतने सिंपल बन गए, इतने सिंपल जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना वैराग आ गया बाबा में, इतना वैराग। क्योंकि कहाँ वो राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना, अंग्रेजों के साथ उठना बैठना, और कहाँ एक थक से सब कुछ त्याग और शिव बाबा की आज्ञाओं पर चलने लगा। और अंत तक, ऐसे नहीं कि अभी तो ये शरीर बूढ़ा हो गया है अभी तो ये नहीं कर सकता, नहीं, अंत तक
जो शिव बाबा की आज्ञा मिली उसी अनुसार किया। बाबा के आगे कई बूढ़े आते थे, बाबा को कहते थे बाबा अभी तो बूढ़े हो गए हैं, अभी तो हमसे पुरुषार्थ नहीं होता है, सवेरे उठा नहीं जाता है, बाबा चला नहीं जाता है, बाबा ये नहीं होता है। बाबा कहते थे ये बूढ़ा कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो। आजकल तो जवान भी जवाब दे देते नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। और वो 90 साल का बूढ़ा, दादी जानकी देखो 100 साल की, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हाँ आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो इससे प्रेरणा आ जाती है कि बाबा कर सकते थे, दादी कर सकती थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर जवान आते थे बाबा के पास, बाबा अभी तो हम जवान है, अभी तो दुनिया देखी नहीं है, बाबा कुछ हम भी तो देखें संसार में क्या है। तो बाबा कहते थे मम्मा देखो 16-17 साल की थी आई, बस इतनी उम्र थी। बाबा तो फिर भी 60 साल के थे, वो 16-17 साल की उम्र वाली मानो कन्या इतनी यंग और एक धक से सब कुछ त्याग किया, कितनी देर नहीं लगी। तो ये जवान ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो हमारे आगे दोनों एग्जाम्पल है, जवान वालों जवान का भी एग्जाम्पल है तो बूढ़े का भी एग्जाम्पल है, दोनों ही है। इसीलिए कोई बहाना तो चल ही नहीं सकता है, बहाना कोई दे ही नहीं सकता है। अगर अपने संस्कारों का कोई बहाना देता है क्या करे मेरा ये संस्कार है, तो बाबा कहते अपने ओरिजिनल संस्कार को याद करो। कैसे है तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार, वो परमधाम में आत्मा का जो स्वभाव है, वो आत्मा का भाव स्व का भाव वो याद करो, वो है असली स्वभाव तुम्हारा। जो सतयुगी स्वभाव है वो याद करो, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद, वो हमारा स्वभाव है। और जो सर्व गुण संपन्न देवताओं के गुण है अंतर्मुखता गंभीरता धैर्यता सहनशीलता निर्भयता सरलता मधुरता, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार है, दैवी संस्कार, वो याद करो ना। ये संस्कार थोड़े हमारा ओरिजिनल संस्कार है जो कलयुगी दुनिया के हैं। तो जब वो याद करते तो ये अपने आप मिट जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कितने आज्ञाकारी थे, तो तीव्र पुरुषार्थ करने की विधि बाबा हर मुरली में सुनाते हैं। सोचो तो क्या सोचो, बोलो तो क्या बोलो, करो तो क्या करो, चलो तो कैसे चलो। फिर हम देखें हर संकल्प में वफादार पतिव्रता स्त्री की तरह, जैसे इस एक पतिव्रता स्त्री और किसी भी पर पुरुष को याद नहीं करती, तो हम आत्माएं भी वो पतिव्रता की तरह एक पतियों का पति कोई याद करे, एक पतियों का पति बस। सब सजनियां हैं, कोई भी पुरुष अपने को साजन न समझे, कौन हो सभी, सब सजनियां हो, सब भाई भी सजनियां हैं ना, एक शिव की सजनियां हैं, सब पार्वतियां हैं। पार्वती की क्या विशेषता दिखाते, बस एक शिव की लगन में मगन। बस सीता तो फिर भी उसका वियोग दिखाते हैं, हर वक्त वियोग में ही थी बिचारी, लेकिन पार्वती तो सदा ही शिव के साथ ही थी। तो हमें क्या बनना है, सदा ही शिव के साथ पार्वती, कभी अलग नहीं होना है। इसको कहेंगे संपूर्ण वफादार, कहीं भी आंख न डूबे, कहीं भी आंख न डूबे, तब कहेंगे संपूर्ण वफादार। और फिर विश्व सेवाधारी, ये तो बहुत बड़ा पद है ये, विश्व सेवाधारी। यूनाइटेड नेशंस में एक स्लोगन आता है, एक्ट लोकली
बट थिंक ग्लोबली, थिंक ग्लोबली माना सोचो तो विश्व के लिए सोचो, भले एक्ट तो आप लोकली करेंगे ना, वहां ही करेंगे, तो एक्ट लोकली बट थिंक ग्लोबली। और ब्रह्मा बाबा तो लौकिक में भी ऐसे ही थे, जब भक्ति करते थे ना तो वो जैसे अनुष्ठान करते हैं या कुछ भी जल देते हैं तो सब ऐसे हमेशा कहते हैं सर्व के कल्याण के लिए, सर्व के कल्याण के लिए अंजलि भर करके फिर वो देते हैं। तो उसमें कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चे के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी माँ के लिए, सर्व के कल्याण के लिए, सर्व का कल्याण। तो लौकिक में भी बाबा के अंदर ये विश्व कल्याण की भावना रही है। तो बाबा के, शिव बाबा के बच्चे बने तो विश्व कल्याण, हद में तो कभी बाबा रहे ही नहीं, तो क्या हम भी उस बेहद में जा सकते हैं? हद में ही रहना ये तो अज्ञान है। अज्ञान काल में भी मेरा मेरा नहीं कहते हैं, पता है मैं राजस्थान में कहीं परिवार में गई थी, वहाँ सब बहुएं एक साथ रहती थी। बाबा कई बार कहते हैं एक ही परिवार में सारे बेटे बहू सब एक साथ, बिजनेस एक साथ, वो उसका बेटा, वो उसका बेटा, ये मेरा बेटा नहीं उसका बेटा, ये कभी नहीं सोचते, वो सब हाँ मिल करके ही करते थे। तो मैंने बाय चांस, वो एक माता थी उनके बच्चे बहुत थे, तो मैंने पूछा ये आपका बेटा है? कहती नहीं बहन जी ये आपका बेटा है। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ से आया? आपका है? तो कहा आपका है। मैंने कहा मेरा कैसे? तो कहा राजस्थान में हम लोग जो बोलते हैं ना उसमें कभी भी नहीं कहते मेरा, हमेशा कहेंगे आपका आपका आपका। हाँ आपका माना एक ये बड़ी ऊंची भावना है कि मेरा कुछ नहीं है, नहीं तो अज्ञानवश तो मेरा 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 करते रहेंगे ना। आपका एक स्त्री भी होगी तो पति के लिए ये थोड़ी कहेगी मेरा पति, वो कहेगी आपका भाई। क्या कहती है? आपका भाई। मेरा शब्द जैसे वो एक देह अभिमान की निशानी ना, जैसे भारत की ये संस्कृति है कि है, ये नहीं कहेंगे अच्छा मैं जाता हूँ, ऐसे नहीं कहेंगे अच्छा मैं आता हूँ। जाता हूँ माना ओम शांति। फिर वापस नहीं आएंगे, तो इसीलिए क्या कहते हैं अच्छा आता हूँ, अच्छा फिर मिलेंगे। इंग्लिश में तो कहेंगे गुड बाय माना छुट्टी, पर भारत की संस्कृति में गुड बाय नहीं है, अच्छा फिर मिलेंगे, अच्छा आता हूँ। कनाडा में तो कहते होक बिट बनी, अच्छा आओ जो, गुजराती में क्या कहते हैं फिर आना, क्योंकि जाना नहीं है आना ही है। इसीलिए बाबा भी कौन सा शब्द यूज है, गो सुन कम सुन। बाबा एक गो सुन कम सुन की टोली देते थे, तीन चीजें उसमें देते थे, लास्ट में जब छुट्टी लेते थे ना बाबा से तो तीन चीजें देते थे, बादाम मिश्री और इलायची, ये तीन चीजें बाबा हर एक को देते थे। बाबा कहते थे ये बादाम जो है ये बादाम माना दिमाग के लिए, मन के लिए, मिश्री माना ये जुबान के लिए, तो मीठी जुबान और शक्तिशाली दिमाग मन, और इलायची ये संस्कार माना सुगंध, हमारे कर्म में गुण दिखाई दे, तो कर्म में गुण हो, वचन में मिठास हो और संकल्प में शक्ति हो, तो संकल्पों से शक्ति दान, वाणी से गुण दान, वाणी से ज्ञान दान और कर्म से गुण दान। तो ये तीन चीजें बाबा हमेशा गो सुन कम सुन की टोली रूप में देते थे, ज्यादा नहीं बस दो तीन, दो बादाम और एक इलायची, दो तीन मिश्री के दाने। तो गो सुन कम सुन, जल्दी फिर आना बच्चे, जाके आना। कई विदेश के भाई बहने बाबा को कहते थे, अव्यक्त बाप दादा को, बाबा हमको वापस नहीं जाना है, यहाँ विदेश नहीं जाना, हमको यहीं रख दो। तो बाबा कहते थे ये क्यों कहते हो जाना है, अब ये कहो जाके फिर आना है। क्योंकि गए
फिर वापस आना है, जाके फिर आना है। अभी हम भी यात्रा पर जा रहे, अभी जाएंगे परम धाम, तो परम धाम में बैठ थोड़ी जाएंगे, क्या करेंगे हैं? परम धाम को हाथ लगा के वापस आएंगे सत्युग की दुनिया में, वहां चले थोड़ी जाना है। दुनिया में तो समझ से बस मोक्ष मिल जाए, फिर आना ही नहीं है संसार में। और बाबा कहते आना है, नहीं दुनिया में आना है, सत्युग में आना है, सुख धाम में आना है। मधुबन में भी आते हो पर जाते हो तो किस लिए जाते हो? ऐसे नहीं अपने घर जाते हो, घर तो आपका ये है मधुबन, वो आपकी ऑफिस है, तो ऑफिस में क्यों जाते हैं? ऑफिस में जाके फिर आते हैं घर में, तो जाके फिर आना है, क्योंकि मधुबन आपका घर है। परम धाम में जाके फिर सत्युग की दुनिया में आना है। तो इसीलिए घर को भी याद तो करना ही है, परंतु नई दुनिया को भी याद करना है। तो फिर बाबा कैसे वफादार विश्व सेवाधारी थे। और पांचवा, कर्म बंधन एवं कर्म संबंध मुक्त। कर्म बंधन, देह का जो कर्म बंधन, वो भी बाबा उससे कैसे न्यारे बने, और कर्म संबंध से भी मुक्त। तो देह और देहधारी सबसे एकदम न्यारे उपराम, जितने ही न्यारे उतने ही प्यारे। तो जैसे बाबा थे, जैसे हमारी दादियां थी, वैसे ही हमें भी फॉलो करना है। और एक एक अगर ऐसे बन जाए तो सब बाप समान बन जाए, और सब बाबा के पास उड़े वतन में, और सहज ही फिर ये संसार बदल कर सतयुग आ जाए, और फिर नई दुनिया में हम राज्य करने आए बाबा के साथ। तो जाएं भी बाबा के साथ, बाबा इंतजार कर रहे हैं वतन में हमारा, सूक्ष्म वतन में, कि कब मेरे बच्चे फरिश्ते बने, मेरे समान बने, और हम घर का दरवाजा खोलें और फिर नई दुनिया में साथ में आए। तो सब तैयार है ना इसके लिए? सब तैयार है, हाँ, जाने लिए भी तैयार है और आने लिए भी तैयार है, हाँ, दोनों लिए तैयार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिल